मोटोरोला का वन एक्शन 4 GB 64 GB में आता है ये एन प्लस, 4 GB 128 GB रैम है इसका। दो मोटोरोला का वन फ्यूजन ये है 4 GB 64 GB में 5000 mAh की बैटरी है। मोटोरोला की जेड सीरीज में आता है मोटो जेड 4, 48 MP बैक है, फ्रंट 25 MP दिया हुआ है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे वायरलेस चार्जिंग वगैरह की भी सपोर्ट है, प्रोजेक्टर कैमराज वगैरह लगते हैं। मार्केट में न्यू मॉडल आया हुआ है इसका, आप लुक चेक करें। 64 MP बैक कैमरा दिया हुआ है, बैक पे फिंगरप्रिंट है। दिखा रहा हूँ मोटोरोला का मोटो वन जूम, दिखा दूँ एग्जेट 3 जो आजकल चल रही है मार्केट के अंदर पबजी के लिहाज से, स्नैपड्रैगन 845 लगा हुआ है। दिखा दूँ आजकल चल रहा है मार्केट में S10 5G। मोटोरोला की जेन्युइन स्मार्ट वॉचेज है विद जेन्युइन चार्जर है मोटोरोला के। गाइज आज हम स्टार सिटी मॉल पे आए हुए हैं मुजम्मिल भाई के पास। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनके पास वाइड रेंज ऑफ एंड्रॉयड की वैरायटी है, जिसमें सैमसंग भी है, मोटरोला भी है, हवावे भी है, सोनी भी है, हर रेंज में फोन है इनके पास, ओप्पो भी है इनके पास। जिस रेंज में आपको चीज चाहिए होगी सब कुछ मिलेगी, वॉचेस भी है। जी मुजम्मिल भाई, सबसे पहले क्या बता रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम सर। हमारे पास तकरीबन 40 से 50 मॉडल है जिनमें मोटरोला की भी कैटेगरी अवेलेबल है, हवावे भी है, ओप्पो भी है, वीवो भी है और वॉचेस भी मोटोरोला की और ZTE की भी हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है। मैं आपको मोटोरोला से शुरू करता हूँ। ऐसे मॉडल्स हमारे पास बहुत हैं, न्यू भी हैं, पुराने भी हैं। मैं आपको शॉर्ट रिव्यू जो पुराने मॉडल्स हैं उनके दे दूँगा और जो डिटेल रिव्यू है वो मैं आपको जो न्यू मॉडल्स आए हैं मार्केट के अंदर लेटेस्ट हैं उनके मैं आपको डिटेल रिव्यू दूँगा। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बता दूँगा, ये है मोटोरोला का वन एक्शन 4 GB 64 GB में आता है ये। एक्सिनोस का प्रोसेसर लगा हुआ है, गेमिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पबजी लवर्स लेके जाते हैं। ये आपको पड़ेगा 17,500 में BT अप्रूव। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ मोटोरोला का मोटो G9 प्लस, 4 GB 128 GB रैम है इसकी, 5000 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन 730G है, 64 MP बैक है, 16 MP फ्रंट है इसका। यह आपको पड़ेगा 25,500। उसके बाद आपको दिखा दूँ मोटोरोला का वन फ्यूजन ये है, 4 GB 64 GB में 5000 mAh की बैटरी है, 48 MP का बैक कैमरा है, 8 MP फ्रंट है, स्नैपड्रैगन 710 लगा हुआ है इसके अंदर। ये आपको पड़ेगा 19,000 रुपये का। इसके बाद ये आपको दिखा दूँ मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस, 4 GB 6/64 में भी ये आता है और 6/128 में भी ये हमारे पास अवेलेबल है। इसमें तीन कलर्स मिल जाएंगे आपको, वाइट, ब्लू और पिंक कलर आता है। ये आपको पड़ेगा 64 MP इसका बैक कैमरा है, फ्रंट इसका 16 MP है, स्नैपड्रैगन 730 लगा हुआ है। ये आपको पड़ेगा 6 GB 64 GB 28,500 और 6/128 आपको पड़ेगा 30,000 रुपये में। इसके बाद आपको दिखा दूँ मोटोरोला का वन विजन, 48 MP इसका बैक कैमरा है, फ्रंट 25 MP है, सैमसंग एक्सिनोस का प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर। गेमिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, पबजी लवर्स लेके जाते हैं। 4 GB 128 GB सिंगल सिम है और ये आपको पड़ेगा 20,000 रुपये में। इसके बाद आपको दिखा दूँ मोटोरोला की जेड सीरीज में आता है मोटो जेड 4, 48 MP बैक है, फ्रंट 25 MP दिया हुआ है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं इसके नीचे वायरलेस चार्जिंग वगैरह की भी सपोर्ट है, प्रोजेक्टर कैमराज वगैरह लगते हैं। ये आपको पड़ेगा 23,000 का। पहले वाली वीडियो में इसके प्राइस ज़्यादा थे, अब इसके प्राइस ड्रॉप हुए हैं तो हमने इसके प्राइस कम कर दिए। ये आपको पड़ेगा 4 GB 128 GB सिंगल सिम PT अप्रूव 23,000। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ZTE की भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी आ गई है। ये है ZTE 3, ZTE V2020 ब्लेड कहलाता है ये, 4 GB 128 GB में भी और 6/128 में भी। 4/128 वाला आपको पड़ेगा 18,000 रुपये, 6/128 वाला आपको पड़ेगा 21,000 रुपये। डुअल सिम है, PT अप्रूव्ड होता है, 4000 mAh की बैटरी है, 48 MP बैक कैमरा है और फ्रंट इसका 12 MP है। मार्केट में न्यू मॉडल आया हुआ है इसका, आप लुक चेक करें। 64 MP बैक कैमरा दिया हुआ है, बैक पे फिंगरप्रिंट है,
इसका फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल, इसकी जो मेन हाईलाइट है वो है इसका फ्रंट कैमरा। 6 GB 128 GB में भी अवेलेबल है और ये 4 128 में भी। ये आप इसका बैक कैमरा देख सकते हो और ये इसका फ्रंट कैमरा देखें पापा, ये आपको पड़ेगा 6 GB 128 GB में 30,000 रुपये का और 4 128 में आपको पड़ेगा 26,000 रुपये का। ये इसमें तीन कलर हैं, ये तीनों कलर आपके सामने हैं, तीन कलर। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ मोटरोला का मोटो वन जूम। गाइस देखें इनके पास मोटरोला की बहुत वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है, हर फोन पड़े हुए इनके पास मोटरोला के। जी ये है मोटरोला का वन जूम, 48 MP इसका बैक कैमरा है, फ्रंट इसका 25 मेगापिक्सल है, सुपर अमोल का डिस्प्ले दिया हुआ है, उसके अंदर गोरिल्ला ग्लास नहीं, गोरिल्ला ग्लास से ऊपर की टेक्नोलॉजी पांडा किंग ग्लास। इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा हुआ है, 5000 mAh की बैटरी है, फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले दिया हुआ है। इसमें भी तकरीबन ये दो कलर्स हैं गाइस, देख लें इसमें दो कलर्स हैं और बहुत खूबसूरत फ़ोन नज़र आ रहे हैं ये। जी मुजम्मिल भाई और क्या बता रहे हैं? इसके बाद मैं आपको सोनी की दिखा दूँ X3 जो आजकल चल रही है मार्केट के अंदर, पबजी के लिहाज से स्नैपड्रैगन 845 लगा हुआ है इनके अंदर, 19 मेगापिक्सल बैक कैमरा है इसका और फ्रंट इसका जो है वो है 13 मेगापिक्सल। PoLED का डिस्प्ले दिया हुआ है इसके अंदर, HDR10+, 60Hz का रेजोल्यूशन है, 4GB 64GB सिंगल सिम और ये ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड होता है। इसकी जो प्राइस है वो इसकी कंडीशन पे डिपेंड होती है, इसकी जो लो से लो कंडीशन है वो 14,500 से स्टार्ट है और 17,500 पे एंड है। बिल्कुल A+ कंडीशन आपको पड़ेगा 17,500 रुपये और जो C कंडीशन है वो आपको पड़ेगा 14,500 रुपये, 14,500 से स्टार्ट है इसकी प्राइस और 17,500 पे एंड है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ मोटरोला का P30 Play जो अपने लुक की वजह से बहुत फेमस है, ये आप देख सकते हैं इसका आईफोन वाला इसका बिल्कुल लुक दिया हुआ फ्रंट से भी बैक से भी, ये देखें बिल्कुल आईफोन वाला डिस्प्ले दिया हुआ इसका, 4GB 64GB है, 3500 mAh इसकी बैटरी है, स्नैपड्रैगन 625 लगा हुआ है इसके अंदर, 16 MP बैक कैमरा है, फ्रंट इसका 8 MP है। ये आपको पड़ेगा 17,500 में। इसके बाद मेरे पास सैमसंग की भी काफ़ी वैरायटी है, ये आप देख सकते हैं सैमसंग का S10+ ठीक है जी, ये जी नहीं सिंगल सिम होते सही है। ये आपको पड़ेगा माइनर स्पॉट्स में हमारे पास अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के स्पॉट्स हैं, इससे माइनर स्पॉट भी इनको मिल जाएगा ठीक है। ये आपको इसकी जो प्राइस है वो 38 से स्टार्ट है और 42 पे एंड है, वो इस वजह से क्योंकि सारी प्राइस इसके स्पॉट पे डिपेंड होती है, जितना बड़ा स्पॉट होगा उतने कम प्राइस, अगर पिन डॉट होगा तो प्राइस कम, पिनडेड होगा तो वो 42 का ठीक है ठीक है। और ये 8 GB रैम है और 128 GB रोम होती है इसकी ठीक है। इसके बाद सैमसंग में मैं आपको दिखा दूँ आजकल चल रहा है मार्केट में S10 5G, 8 GB रैम है, 256 GB इसकी रोम है। इसके अंदर ये बिल्कुल फ्रेश पीस हमारे पास अवेलेबल है, क्वांटिटी भी मिल जाएगी, अगर किसी शॉपकीपर को चाहिए हो तो हमसे कांटेक्ट कर ले ठीक है। ये आपको पड़ेगा 45,000 का, 8 GB 256 GB PTA अप्रूव ठीक है। के बाद मैं आपको दिखा दूँ ये मोटरोला का मोटो Z3 Play, आपको मैंने Z4 दिखाया था, ये उससे पिछला मॉडल है मोटो Z3 Play, ग्लॉसी बॉडी में इसका लुक देख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग वगैरह सब जी, वायरलेस चार्जिंग भी है, साइड माउंटेड फिंगर दी हुई है, 4 GB रैम है, 32 GB इसकी रोम है ठीक है। सो एक 16 MP कैमरा है, सुपर अमोल डिस्प्ले, आपको पड़ेगा 17,000 ठीक है। इसके बाद ओप्पो की भी हमारे पास वेरायटी है, ये है ओप्पो का A31 2020 का मॉडल है, ओप्पो A31 12 मेगापिक्सल के बैक कैमरे हैं, फ्रंट इसका 8 मेगापिक्सल है, 4 GB रैम है, 128 GB है, डुअल सिम PTA अप्रूव में आता है ये, 3500 mAh बैटरी के साथ, ये आपको पड़ेगा 17,500 ठीक है। इसमें दो कलर है, एक ब्लैक है और एक ग्रीन ठीक है। उसके बाद मैं आपको मोटरोला का दूसरे मॉडल भी दिखा दूँ जो मिड रेंज फोन कहलाते हैं, ये तो ओप्पो है, ये ओप्पो है जी, ओप्पो A57 ठीक है, 3 GB 32 GB डुअल सिम PTA अप्रूव में है, इसमें क्वांटिटी भी मिल जाएगी शॉपकीपर्स वगैरह, गाइस जिसकी कम रेंज है उसमें, जैसे आपकी रेंज अगर 15,000 की भी है, आपकी रेंज 10,000 से थोड़ी प्लस भी है, तो वो भी फोन आपको मुजम्मिल भाई के पास मिल जाएंगे जी। ये आपको पड़ेगा 3 GB 32 GB में डुअल सिम, ये आपको पड़ेगा 8,000 रुपए में ठीक है। बाकी ओप्पो का इससे छोटा मॉडल भी है सही है, ये 2 GB 16 GB में आता है, ओप्पो A37 सही है, जो बिल्कुल लो रेंज के फोन है वो भी हमारे पास अवेलेबल इंशाल्लाह मिल जाएंगे ठीक है। ये आपको पड़ेगा 7,000 रुपए में, 2 GB 16 GB ठीक है। इसके अलावा सर हमारे पास हवावे में भी वेरायटी है, ये देखें ये है हवावे का Nova 2S ठीक है, 6 GB रैम है, 64 GB इसकी रोम है, 3500 mAh इसकी बैटरी है, 16 MP के दो डुअल लेंस दिए हुए,
फ्रंट पे फिंगरप्रिंट है, फेस लॉक है, डुअल सिम पीटी अप्रूव, ये आपको पड़ेगा 16,500 रुपये। सही है। इसके बाद हमारे पास है हवावे में ही ऑनर 9 आई, ये भी अपने लुक की वजह से बहुत अच्छा है गाइस, देख लें आप इसका, देख सकते हैं बिल्कुल ग्लॉसी लुक है। पीछे डबल कैमरेस भी हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, 3GB 32GB डुअल सिम पीटी अप्रूव, और ये इसका आप डिस्प्ले देखें, नॉच डिस्प्ले दिया हुआ है। हां नॉच डिस्प्ले ठीक है, ये आपको पड़ेगा 11,500 रुपए में, 3GB 32GB पीटी अप्रूव है जी, पीटी अप्रूव हर फोन पीटी अप्रूव, सारे फोन गाइस पीटी अप्रूव है, पीटी अप्रूव की लाइफ टाइम की वारंटी भी होती है हमारी। ठीक है ठीक है। इसके बाद ये आपको हवावे मिल जाएगा, 4GB 64GB में आता है, हवावे 6X डुअल कैमरास है, फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, फ्रंट 8 मेगापिक्सल है, 4GB 64GB डुअल सिम पीटी अप्रूव, ये आपको पड़ेगा 10,500 रुपये में, 4GB 64GB। ठीक है। इसके बाद ये हवावे में पास न्यू मॉडल भी है, हवावे Y5, इसका पीछे से बड़ी अच्छी बैक कलर लेदर भी है इसमें, और सादे भी आपको मिल जाएंगे इसमें, 3-4 कलर है, अच्छा। गोल्ड है, ब्लैक है, व्हाइट है, और ये एक ठीक है। क्या प्राइस दे रहे हैं, ये आपको पड़ेगा 9,000 रुपये में, 2GB 32GB डुअल सिम पीटी अप्रूव, 2019 का मॉडल है। ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूं हवावे में 3GB 32GB में आता है हवावे 6S डुअल सिम है, पीटी अप्रूव है, 3GB रैम है, 32GB, ये आपको पड़ेगा 8,000 रुपये में। ठीक। ये हवावे में हमारे पास P10 लाइट भी है, ये भी बड़ा फेमस मॉडल है, 4GB रैम है, 64GB इसकी रोम है, डुअल सिम है, 2700mAh बैटरी है, कैमरा भी इसका अच्छा है, लुक भी बहुत अच्छा है, इसमें दो कलर है, व्हाइट है और गोल्ड है, ये आपको पड़ेगा 11,000 रुपये में, 4GB 64GB। ठीक है। बाकी हवावे में मैं आपको दिखा दूं P8 लाइट, ये 2GB 16GB में आता है, 8 मेगापिक्सल बैक है, फ्रंट इसका 5 मेगापिक्सल है, इसका भी लुक चेक कर सकते हैं आप, अच्छा गाइस देख लें, मिड रेंज में, मिड रेंज या लो रेंज में आपको मिल रहे हैं ये फोन, ये आपको पड़ेगा 7,500 रुपये। ठीक है। इसके बाद मैं आपको दिखा दूँ हवावे का P9 लाइट, काफी वैरायटी है आपके पास एंड्रॉइड फोन्स में। जी जी, ये है P9 लाइट, 3GB 16GB में आता है, डुअल सिम पीटी अप्रूव में, देख सकते हैं इसका डिस्प्ले भी, जिसके पे पन्नी लगी हुई, बिल्कुल फ्रेश पीस है, जो भी आप लेंगे इंशाल्लाह 10x10 में हमारी कोशिश होती है कि आपको दें। ये आपको पड़ेगा 8,500 रुपये में, 3GB 16GB। और ये हमारे पास है सबसे कम रेंज में फोन है, ओप्पो का A31, 2GB 16GB डुअल सिम, ये आपको पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 4,800 में, स्मार्टफोन 2GB 16GB है, पीटी अप्रूव्ड है, 4,800। के बाद मैं आपको दिखा दूं हमारे पास वीवो की वैरायटी है, ये है वीवो Y51, 2GB रैम है, 16GB इसकी रोम है, 2500mAh जिसके ने बैटरी दी हुई है, 8 मेगापिक्सल बैक है, फ्रंट इसका 5 मेगापिक्सल है, ये आपको पड़ता है 6,500 में, 2GB 16GB। ठीक है। इसके बाद आपको दिखा दूं वीवो का है Y67, 4GB रैम है, 32GB इसकी रोम है, ये आपको पड़ेगा 9,000 रुपये में, 4GB 32GB। ठीक है। ये पीछे बैक पे पन्नी लगी हुई है, देखें बिल्कुल फ्रेश पीस है, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लें गाइस साफ सुथरा फोन है। ठीक है। बाकी आइए मैं आपको घड़ियों की तरफ ले चलता हूँ, हमारे पास स्मार्ट वॉचेस हैं, मोटोरोला की, मोटोरोला की जेन्युइन स्मार्ट वॉचेस हैं विद जेन्युइन चार्जर है, मोटोरोला का ब्लूटूथ है जी, ब्लूटूथ फोन के साथ कनेक्ट हो जाती है, कॉल रिसीव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, बातचीत वगैरह नहीं होती, ठीक है। बात आपने फोन पे ही करनी होगी, बाकी इसके अंदर गूगल असिस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, ब्लड प्रेशर रेट हाई वगैरह स्टेप्स वगैरह हर चीज़ ये बताती है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ेगी 5,500 रुपये में, और कोई शॉपकीपर अगर लेना चाहे क्वान्टिटी भी इस वॉच की अवेलेबल है, इंशाल्लाह उनको अच्छे प्राइस मिलेंगे। गाइस देख लें ये वॉचेस वगैरह हैं, गाइस डिस्क्रिप्शन पे मुजम्मिल भाई का नंबर लिखा हुआ होगा और वीडियो पे भी नंबर होगा, शॉप का एड्रेस भी होगा, आपको जो भी पूछना हो मुजम्मिल भाई से पूछ लेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक्स लॉट।